अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। सो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इटालियन ऑमलेट की रेसिपी, जो आपके ब्रेकफास्ट को एकदम रॉयल सा लुक देने वाला है, एक रॉयल सा टेस्ट, एक नया टेस्ट खाने को मिलेगा। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिए हैं मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो एक ग्लास भर के मैंने इन पे डाल दिया है पानी, ताकि अच्छे से एकदम सोगी सोगी से हो जाए और एकदम इनका जो पानी है इस तरीके से ड्रेन कर लेंगे सारा उठाकर। और इस तरीके से ड्रेन करते हुए हमें इसमें ये पानी जो है सारा हमें ड्रेन कर देना है। मैं ले ली हूँ दूसरा बाउल और इस तरीके से इसका पानी सारा ड्रेन कर लेंगे। अच्छे से निचोड़ते रहेंगे तब तक कि इसका पानी सारा इस तरीके से रिलीज नहीं हो जाता। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, और निचोड़ने पर भी पानी निकल ही रहा है। तो अच्छे से जब तक ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते तब तक हमें इसे स्पॉन्जी से इसी तरीके से इसको दबाते हुए, और अब ये अच्छे से हो चुके हैं, हमने सारा पानी इसका ड्रेन कर दिया है। अब अच्छे से मैश कर लेंगे इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसमें मैं ये अंडे फोड़ूंगी कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और हमने इसमें से पहले हम अंडा फोड़ लेते हैं। इसकी जर्दी बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जर्दी ही जो है हमारी अंडे में आगे काम आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे एक अलग बाउल में निकाल लूँगी फ्रेंड्स, आप भी कुछ इसी तरीके से करिएगा। अलग अलग सेपरेट हम जब हम निकालेंगे तो हमें इजी होगा इनको उसके ऊपर असेंबल करने में। तो ये दूसरे अंडे की जर्दी भी मैं कुछ इसी तरीके से इसमें निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं दूसरा अंडा मैंने दूसरे बाउल में रखा है, और मैं इसी तरीके से 3 अंडे लूँगी और इस तरीके से मैंने फोड़ते हुए इनकी सर्दी सेपरेट कर लूँगी एक अलग बाउल्स में। देख सकते हैं आप तीसरा भी। तो इसको मिलाते हैं इस बाउल में जिसमें हमने ब्रेड रख रखे थे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, अपने बाउल में जो हमने रखे हुए हैं। इसमें ये जो एग की जो वाइट है हम उसको निकाल देंगे, एग योक हमने सारा बाउल में निकाल दिया है। तो ये डाल रही हूँ मैं आधी शिमला मिर्च इस तरीके से फाइन चॉप हुई भी। तो इसमें आप कोई भी कलर की बेल पेपर ले सकते हैं, रेड वाला भी ले सकते हैं और येलो वाला भी, कुछ इस तरीके से फाइन चॉप। मैंने टमाटर डाल दिया है इसमें, बीज बिल्कुल भी नहीं है, बीज को अवॉइड करें फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटी हुई फाइन चॉप हुई हुई प्याज और थोड़ा सा पत्ता गोभी, जो मैं मुझे फेवरेट लगता है इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करेंगे कुछ इस तरीके से, जो आप देख सकते हैं कितना एकदम अभी से टैम्पटिंग लगने लगा है। तो अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो हमारे बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे पहले नमक, आधा स्पून नमक डाल दिया है, आधा टीस्पून काली मिर्च डाल दी है मैंने, और डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और इन्हें चिली फ्लेक्स डालने के बाद इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और जब तक मिक्स करेंगे तब तक कि हमारा जो ब्रेड हमने सोक करके रखे हुए थे वो अब चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो इसे जब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से हमारा जो अंडा है, ब्रेड है, सब एक दूसरे से एक जान नहीं हो जाते, बिल्कुल मिक्स कर लेना है हमें। और ले लेंगे एक पैन और पैन को ग्रीस करते हुए, और कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि हमें ईजी हो इसको अपने पैन पे डालने में, असेंबल करने में। तो बाउल से मैंने इसमें पूरा मटेरियल डाल दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था मैंने पहले ही। तो इस तरीके से हम इसे शेप देंगे और बिल्कुल इवनली शेप देंगे, और ऊपर से भी एकदम इवन करते हुए अब हम इसकी लेड लगा देंगे ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा बीच में से हमें इसे इस तरीके से पहले ही कर लेना है ताकि हम जो एग योक इसमें डालने वाले हैं वो अच्छे से असेंबल हो जाए। लिड लगाएंगे, लिड लगाकर हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट हमें इसे इस तरीके से पहले सेट कर लेना है, और फिर इस पर एग योक डालकर हमें फिर इसको फिर से लिड लगा देनी है। और जब तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये जो एग योक है हमें अच्छे से एकदम पकी हुई नज़र नहीं आती।
आप देख सकते हैं एकदम भाप अब जो है उसके ऊपर अब निकलने लगी है, जो लिड है हमारी उस पर। अब आप देख सकते हैं हमारी जो एग योक है अच्छे से वाइट भी होने लगी है और थोड़ी सी हमें अब पकी पकी सी भी नज़र आने लगी है। अब अच्छे से ये बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, तो मैं आपको नीचे से इसका तला दिखाऊं, तो अच्छे से ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये, बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। ऊपर से भी स्टीम ने इसको बिल्कुल अच्छे से इसको पका दिया है। तो चलिए अब इसको अब मैं कल क्लोज करके दिखाऊं आपको, तो आप क्लोज करके देख सकते हैं इसको फ्रेंड्स, कितना अच्छे से ये बिल्कुल पक पक चुका है हमारा अंडा, जर्दी और बाकी मटेरियल। इसको रख लेते हैं अलग साइड प्लेट में, और दूसरा भी इसी तरीके से मैं पैटर्न से बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही डिवाइड कर लिए थे 3 पार्ट में, तो कुछ इस तरीके से इसे असेंबल करते हुए हम मैं इसमें हल्का सा बस शेप दूंगी, ताकि हमारी जो एग योक है अच्छे से इस पर असेंबल हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा संभाल के, एग योक टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूट जाएगी तो सारी शेप जो है हमारा जो ये ऑमलेट है जो इटालियन ऑमलेट है वो ख़राब हो जाएगा। तो तीसरा भी कुछ इसी तरीके से मैंने इस पर असेंबल कर लिया है अपने पैन पे, और इसमें मैं डालने वाली हूँ एग योक, देख सकते हैं आप। बस इसी तरीके से हमें सारी ऑमलेट इसी तरीके से बना लेनी है, और जब ये बनकर तैयार हो जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑमलेट भी कितना प्यारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पर, इट इज़ माउथ वाटरिंग फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, और देखें आप तीनों बनकर रेडी हैं। और आपको भी ये रेसिपी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इट्स न्यू एंड ऑथेंटिक और बिल्कुल एकदम न्यू रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और हल्का सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ओरिगैनो हर्ब्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप कुछ और स्प्रिंकल करना चाहते हैं लाइक अ चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।